नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। मैं हूं अपने सहयोगी महेंद्र बोबली के साथ रुद्रपुर से भास्कर पोखरियाल। खास बात यह है कि दिवाली की रात को यहां पर एक बिलासपुर के 23 वर्षीय युवक की पटाखे फोड़ने को लेकर हुए विवाद में गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि इसमें 6 अभियुक्त अभी भी फरार हैं। इसी को लेकर के आज SSP उधम सिंह नगर डॉक्टर मंजूनाथ TC ने CO पंतनगर तपेश कुमार चंद्र के साथ एक बार फिर से मेट्रोपोलिस सिटी, जो कि सुपरटेक की कॉलोनी है, और उसके मुख्य गेट पर युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहां का फिर मुआयना किया गया और उसमें पुलिस बड़ी तेजी के साथ काम कर रही है। SSP का साफ कहना है कि हत्यारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की टीमें उनकी गिरफ्तारी के लिए अभी भी लगातार दबिश दे रही हैं। बता दें कि इस मामले में बिलासपुर के 23 वर्षीय युवक की जो हत्या की गई है, उसमें कुल 11 लोग शामिल थे। पहले इन लोगों ने वहां शराब वराब पीने के बाद मार धाड़ करी और उसके बाद दोबारा पुनः फिर युवक को उकसा करके मौके पर बुलाया और सुपरटेक की पास कॉलोनी मेट्रोपोलिस के मुख्य गेट पर युवक को गोली मार दी गई। 3 गोलियां चलाई गई, जिसमें 2 फायर नहीं लग पाए, लेकिन 3री गोली युवक के पीठ पर लग गई और वह वहीं पर ढेर हो गया। हालांकि युवक की मृत्यु उपचाराधीन बरेली के एक निजी अस्पताल में हुई, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को अभी भी उधम सिंह नगर पुलिस बड़ी गंभीरता से ली है। SSP मंजूनाथ TC इस मामले को लेकर के अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। आइए देखते हैं क्या कहना है SSP उधम सिंह नगर डॉक्टर मंजूनाथ TC का। ये मेट्रोपोलिस का सिक्योरिटी एजेंसी है, तो वो चाहे किसी को भी दे दे, पर एक सिक्योरिटी एजेंसी का या सिक्योरिटी कर्मचारी का भी उतना ही भूमिका होता है। उसको सिक्योरिटी देना पड़ता है कुल मिला के। वो हो सकता है पुलिस की तरह अपराधियों को पकड़ तकड़ ना करे, पर सुरक्षा का तो उसको मेंटेन करना ही पड़ता है। पर वो सुरक्षा देने में काफ़ी लापरवाही हुई है, सुरक्षा में काफ़ी चूक हुआ है। ये सब चीज़ें हम उनको अवगत करा रहे हैं और उनके ऊपर एक्शन भी लेंगे ज़रूर। जी, बीते दिनों मेट्रोपोलिस के मेन गेट के सामने ही एक वारदात हुआ है, तो इसमें तो वारदात की अनावरण तो हो गया, लगभग अधिकांश लोग हमने जेल भी भेज दिया है, परंतु कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल है, उसका जवाब हमें सराहना चाहिए, समाज के तौर पे ही, पुलिस के तौर पे भी। तो सभी दृष्टिकोण से हमें उन सवालों का जवाब मिलना चाहिए कि इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स होने के बावजूद भी कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया सिक्योरिटी गार्ड्स ने, ये एक सवाल है। और क्या ये पर्याप्त सिक्योरिटी ये लोग दे रहे हैं लोगों को, वो अंदर रहने वाले लोगों को और बाहर घूमने वाले लोगों को, ये भी एक सवाल है। तो और ये भी हम देख रहे हैं कि भाई इसके बिल्कुल कॉलोनी के पॉश कॉलोनी के सामने आपके पीछे देख सकते हैं, ये टोटली अवैध, मतलब संपूर्ण रूप से अवैध अतिक्रमण करके, अवैध करके, अवैध गतिविधियाँ चल रही है, जहाँ पे मतलब विभिन्न तरह की एक्टिविटीज़ चल रही है, जहाँ पर जो है मतलब केवल स्नैक्स ही नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें होता होगा, ये भी सूचना में आई है। तो इन सब के विरुद्ध हम एक्शन ले रहे हैं और हमने इन ये कॉलोनी वालों को भी नोटिस दे रहे हैं हम कि सुरक्षा का जो मानक है वो इनका क्या मानक है, पर्याप्त है कि नहीं है, वो PTZ का कैमरास बढ़ाने के लिए और आर्म्ड गार्ड्स रखने के लिए भी हम इनको नोटिस दे रहे हैं, ठीक है। और कितनी संलिप्तता है, क्या ये घटना प्रिवेंटेबल था नहीं था, ये सब के बारे में ऑडिट चल रहा है, इसी के तहत मैं मौके पर आके देख रहा था बस।